सर्वहित कल्याण सेवा समिति लगातार प्रयास कर रही है किस तरीके से एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जाए। कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में आप निरंतर कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर मधु वत्स हैं। एक छोटा सा परिचय मैं आपको उनका देना चाहूँगा। आप MSc वनस्पति विज्ञान से हैं, आप MSc पर्यावरण विज्ञान से हैं, नारी शक्ति सम्मान फेस ऑफ द सिटी अवार्ड आपको मिला है। आपको माननीय केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी द्वारा देश की 9 विशिष्ट महिलाओं में शामिल किया गया है। आज आगरा आगमन उनका हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तमाम तरह की जानकारियां दी हैं। किस तरह की जानकारियां मैं उनसे ही जानना चाहूँगा। आई मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जी, आपका भी नंबर आएगा और साथ चलेंगे तो इंटरव्यू भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी खास करके प्रेस वार्ता? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो आगरा है ये मेरा नेटिव प्लेस है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। पिता मेरे एटा के हैं और मेरी मदर जो हैं वो आगरा की रही, तो हमारा बचपन यही गुजरा है। इस धरती से मेरा बड़ा इमोशनली मेरे बड़ा लगाव है और मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। इसी दिशा में आज हमने 3 महीने पहले आगरा चैप्टर की शुरुआत की थी और अब हमारा यही प्रयास है कि हम इसको गति दें और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना 23 तारीख को होने वाला जो मेरा कार्यक्रम है उसकी आपको विस्तार से जानकारी दें। क्या कौन सा पॉइंट आपने चुना है, क्योंकि एक लखनऊ में आपका कार्यक्रम हुआ, एक सफल कार्यक्रम हुआ, तमाम उसमें मंत्री भी आए और तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो जो काम करने वाले हैं, एक अच्छे पटल पर काम करने वाले हैं, वो लोग वहाँ मौजूद रहे, एक वहाँ से संदेश गया। आगरा में किस तरह की भूमि तैयार की? ये जो हमने यूपी के अलग अलग शहरों में काम शुरू किया है वो एक चैप्टर खोल के, चैप्टर का मतलब अध्याय नहीं है, ये एक ऐसा अध्याय है जो हमने खोला है जिसमें हम सैकड़ों स्कूलों को जोड़ेंगे। आप देखिए कि अगर शहर की आबादी आप देखें तो 80% आबादी तो स्कूलों में पढ़ने आती है, युवा के रूप में पढ़ने आती है, तो अगर हम उनको अवेयर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अपने 9 लक्ष्यों पर मैं स्कूलों को जोड़कर काम कर रही हूँ। लखनऊ में हमने चैप्टर खोला, मेरठ में हमारा चैप्टर खुला हुआ है, इलाहाबाद में बहुत पहले हम लोगों ने काम शुरू किया था, यूथ एंड गंगा मिशन भी चलाया था। आगरा के जो अभी भूजल मंत्री हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के कार्यक्रम में आए, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, और मैं तो कहूँगी वो स्वयं ही एक पर्यावरणविद हैं और बहुत नॉलेजेबल मंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि अगर आगरा में जो हो रहा है भूजल लगातार गिरता जा रहा है और साथ ही वृक्ष बहुत कम है, तो क्यों ना ये चैप्टर हम लोग वहाँ खोलें। और उन्होंने अपनी यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उससे अवगत कराया और उन्हीं के कहने पर हम लोगों ने यहाँ चैप्टर खोला। बिल्कुल, मेरे साथ में सर्वहित कल्याण सेवा समिति की संयोजक हैं सुमन बघेल जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? 9 लक्ष्य हैं, आप निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को एक बेहतर गति दी जा सके, जो सुधार में होना चाहिए। क्या 9 लक्ष्य आप? 9 लक्ष्य तो बहुत ही पर्यावरण सबसे मुख्य है जो है 2 पे, क्योंकि आगरा में जो कमी है सबसे ज़्यादा ग्रीनरी की एंड भूजल वाटर की, बाकी है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3R पद्धति एंड नारी सशक्तिकरण, और इस तरह से 9 लक्ष्य हैं। बट अभी फोकस हमारा यहाँ पे 2 पे है और इसीलिए मैम यहाँ पे आई हैं। मैं मैम के साथ कई सालों से काम कर रही हूँ, तो मैम को मैंने कहा आगरा में जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैम वो चैप्टर यहीं से शुरू किया है, उसी यहीं से शुरू किया है। आपका आगरा से भी आप जुड़ी रही हैं, आगरा में आपका शायद रिलेशन है, तो किस रूप में देखते हैं आपके आगरा को ही आपने एक नज़र में भरा और क्योंकि यहाँ ज़रूरत है महसूस किया? आगरा क्योंकि आगरा दूसरे शहरों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें भूजल और पर्यावरण। आप देखिए कि हमारी कॉलोनी में फिर भी ग्रीनरी दिखती है हाइडल कॉलोनी में, लेकिन आप देखिए कि हर जगह नंगा, यहाँ पर एक इंसान अपने घर के आगे भी पेड़ नहीं लगाना चाहता, पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं आती है, तो यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा मधु मैम, SPM क्या है, SPM को लोग क्या समझें, क्योंकि SPM की वजह से शायद उद्योगों में जो रुकावटें आ रही हैं उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करिए। देखिए SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको ये तो एक टर्म हो गया, इसको यदि हम खोल कर बताएं तो जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, इस धुएं में 3 गैस निकलती हैं SOx, NOx और COx।
एक्स मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ऊपर जाता है और जाकर जब वो ठंडक पाकर नीचे आता है, सस्पेंड होता है, तो डस्ट और वाटर फिल्म से मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं, उस मैटर को हम कहते हैं SPM। और आज WHO का मानक ही यही है, पूरे प्रदूषण, वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो SPM माना गया है। और मेरा इस पे शोध है तो मैं आपको खुलकर बता भी सकती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि यमुना यहाँ बहती है तो उद्योग का निकलने वाला एफ्लुएंट गंगा को वाटर के रूप में तो गंदा कर सकता है, लेकिन अगर उद्योगों को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वायु प्रदूषण को वो प्रदूषित कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे और पूरे विश्व का ये एक मानक आया है कि 80% जो वायु प्रदूषण है वो कल ये अपनी गाड़ियों से, बसों से, जो हमारे ऑटो एग्जॉस्ट एमिशन है, इससे हो रहा है हमारा। जी, एक सवाल आपसे मैं लूँगा भूजल को लेकर। हम लोग दावे करते हैं, तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, क्या मानते हैं कि प्रॉपरली हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दावे कर रहे हैं? क्योंकि ये बात सही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। मैम को मेरा प्रेस करने का और इनसे कांटेक्ट जब हुआ उसके बाद मेरी सबसे बड़ी यही थी कि मैम को टेक्निकल नॉलेज बहुत है, बट वो टेक्निकल नॉलेज जब तक आम आदमी पे नहीं आएगी तो उसका यूज नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो सब एक तो कहते हैं सब ताजमहल की वजह से सब ये हो गया, लेकिन उसके अलावा जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब जानते ही नहीं है तो फिर आएगा कहाँ से? टेक्निकल नॉलेज की आपने बात की है, टेक्निकल नॉलेज की वजह से ही मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आज आगरा को एक देवदूत की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो वाकई पर्यावरण के बारे में जानकारी रखता हो। पर्यावरणविद कहलाना और पर्यावरणविद जमीन पर दिखना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो उद्योगों को कैसे बचाया जा सकता आगरा के, और क्या यहाँ के कमिश्नर और ऊपर आप बात रखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तमाम लोग आपसे मिलेंगे अभी? इस समस्या को अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे आप लोगों के पत्रकार बंधुओं ने मेरे सामने रखा, तो कमिश्नर साहब और DM साहब से मैं यही कहना चाहूँगी, किसी की रोजी रोटी एकदम से बंद नहीं की जा सकती है। किसी IITN के रिसर्च पर हम ये नहीं कह सकते कि उद्योग ही इसके लिए वो हैं जिम्मेदार हैं। उद्योगों में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं जिससे कि उनका पॉल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिए एज़ फार एज़ माई व्यूज़ आर कंसर्न, उद्योग नहीं, उद्योग से कहीं ज़्यादा हमारे ये जो गाड़ियां हैं, ये जो हमारे ऑटो एग्जॉस्ट है, कारों से निकलने वाले धुआं है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है, ना कि उद्योग हमारे जिम्मेदार है। कूड़ा निस्तारण पे भी एक सवाल उठता है, कूड़ा निस्तारण को लेकर आगरा नगर निगम की टीम देश विदेश जाती रही है, तमाम तरह की सीख वहाँ से लेकर लौटते हैं, लेकिन प्रॉपर वहाँ पर भी वर्क नहीं दिखाई देता है। ज़मीन पे हम बात करें तो आगरा इस मामले में, एक तरफ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को स्वच्छ भारत अभियान की एक अलग के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आगरा को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं। स्वच्छ नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा। देखिए, टीचर और प्रोफेसर रहने के बाद मैंने देश विदेशों में देखा, हम वहाँ से सीख क्यों लेकर आएँ? क्या हम अपनी पुरानी 100 साल पहले 200 साल पहले जब राजा महाराजा होते थे, उनके महल होते थे, कहीं वहाँ गंदगी और कूड़ा पड़ा होता था? उनके यहाँ 10 व्यंजन भी बनते थे तब भी कभी कूड़ा नहीं। तो एक पद्धति थी हमारे पर्यावरण को बचाने की, जहाँ उनका किचन होता था उसी किचन से निकलने वाले कूड़े को वहीं निस्तारित किया जाता था, कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों नहीं, हम आगे की बातें क्यों करते हैं? विकास इतना ज़्यादा हो रहा है लेकिन पुरानी मान्यताएं ख़त्म हो रही हैं। उसी मान्यता से मैं बच्चों को जोड़ने आई हूँ, लाखों बच्चों को मैं इससे जोड़ूंगी। और सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सीख लेकर, और हम लोगों ने भी बहुत टेक्निकल सेमिनार, सिंपोजिया, वर्कशॉप्स करी हैं, लेकिन वहाँ मैंने सिर्फ प्रमोशन का और सर्टिफिकेट का ही धंधा कहूँगी मैं ये कि हमारा प्रमोशन हो गया। आज हमारी सरकार को समझना होगा कि जन सहभागिता से हम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं जोड़ सकते। दो डस्टबिन कल्चर अपनाने के लिए हमें दो डस्टबिन सिर्फ नगर निगम बांट दे, इससे काम नहीं चलेगा। क्या नगर निगम को ये नहीं बताना चाहिए कि जो हम हरा कूड़ा कर रहे हैं उसको हम कैसे निस्तारित करें? आप सेग्रीगेट ही नहीं करिए, आप मैनेजमेंट पर काम करना होगा, और आज ऐसे लोगों से जोड़ना होगा, क्योंकि हर कोई इतना योग्य बन गया है, जिसको कुछ नहीं पता वो भी कूड़ा निस्तारित कर रहा है। निस्तारित बड़े दुर्भाग्य की बात लगती है। और मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को बच्चों के साथ जुड़कर काम करना होगा, बच्चे अपने माता पिता को सिखाएं, क्योंकि मजबूत होना चाहिए बच्चों का। अगर जुड़ गया उसी को हम जोड़ने आए हैं, और 23 तारीख का हमारा प्रोग्राम, आप आएंगे देखेंगे, वहाँ पर हम लोग यही कार्य करेंगे। बिल्कुल देखेंगे।
ये जो आज डबल डस्टबिन और टू इनग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है, अगर याद हो तो हमारे माए नानी ने एक ही डस्टबिन होता था, लेकिन बट कभी भी उसमें सब्जी के छिलके नहीं डाले जाते थे, कभी भी अन्न नहीं डाला जाता था। सब्जी के अरे बेटा बाहर डाल दो, जानवर हैं गाय वगैरह खा जाएंगी, अन्न है वो भी आप बाहर डाल दो, क्योंकि वो डस्टबिन में जाता ही नहीं था। अन्न को और दूध को दही को डस्टबिन में फेंकना बहुत बड़ा गुनाह बताया, क्यों? क्योंकि उनको ये नॉलेज थी कि ये जो वन्य जीव है हमारे वो खा सकते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं करें। तो डस्टबिन में गंदगी भी नहीं होती थी, गंदगी बहुत कम होती थी, अब सब कुछ डस्टबिन में जाता है, तो वो सीख हम भूल चुके हैं। जो मैम कह रही है उन चीज़ों से पुरानी सीख भूल चुके हैं, उन चीज़ों से बचना होगा, खुद जागरूकता। हाँ बिल्कुल, अपने अंदर आप एक एक घर भी अगर अपनी बच्चों को सिखाने लगे या बच्चे पेरेंट्स को सिखाने लगे, जैसे मैम कह रही हैं उनके माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से आप उसे, हाँ तो उस चीज़ की सीख गए, तो मेरी समझ से तो हर घर, अगर एक एक घर अगर स्वच्छ हो जाएगा तो स्वच्छता अपने आप ही हो जाएगी। एक सवाल आपसे एक और लूँगा मैं, कि खास करके जो हमारे कमिश्नर है आगरा के, DM है, शायद DM भी किसी चीज़ के लिए, जिलाधिकारी आगरा भी आते हैं चले जाते हैं, चार छः महीने में तबादला हो जाता है, किसी एक विषय को अगर पकड़ें तो कैसे पकड़ें। दूसरा कमिश्नर हैं, कमिश्नर के माध्यम से आप जब मिलेंगी, तो मैंने जैसे एक सवाल पहले भी किया था आपसे, फिर कर रहा हूँ, क्योंकि दर्द है इस आगरा का, इस आगरा के उद्योगपतियों का दर्द है, मिलेंगी तो क्या कुछ बात रखेंगी उनके सामने कमिश्नर? जी, मेरा DM और कमिश्नर सर से यही कहना है कि जहाँ तक, क्योंकि पर्यावरण विषय मेरा, मैं इसमें एक्सपर्टीज़ भी है और मैं सब जानती भी हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, रिसर्च किया है, कभी भी किसी NGO की रिपोर्ट के आधार पर ना देखें, ग्राउंड लेवल पर देखें, आसपास के लोगों से पूछें। ताजमहल क्यों गंदा हो रहा है? सिर्फ आप मथुरा रिफाइनरी के कारण हो रहा है मान लिया, लेकिन वहाँ डिवाइसेस लग जाएं तो कैसे गंदा होगा भाई? वहाँ पर आप सख्ती कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रदूषण ना फैलाने वाली कुछ डिवाइसेस लगाई जाए और बनाओ। लेकिन वायु प्रदूषण के कारण आप गाड़ियों को तो नहीं रोक रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और मास जो हमारा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, उद्योगों को बंद करना विकास को बंद करने जैसा है, तो शहर में यदि उद्योग बंद हो गया तो फिर विकास भी बंद हो जाएगा। दोनों ही लोगों को शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए, और मैं आगे भी जी क्या कहें, अपनी अगली कड़ी में आगरा चैप्टर के बाद हम लोग बनारस और गोरखपुर को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि बनारस हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्थान है और गोरखपुर हमारे माननीय योगी जी का, उन दोनों का ही विश्वास मुझ पर रहा है क्योंकि उन दोनों ने ही हमें सम्मानित किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, वहाँ भी हम लोग हज़ारों स्कूल को जोड़कर हम दावा करते हैं कि हमें मौका तो दिया जाए, स्कूलों के साथ हम आगरा को भी साफ कर देंगे, लेकिन प्रशासन को हम पर विश्वास करना होगा। बिना कुछ चाहे हम लोग यहाँ कुछ देने आए, कुछ लेने नहीं आए, तो बिल्कुल जी। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि मैम जो बताएंगी मैं उसको मतलब फॉलो करवाऊंगी, फॉलो करूंगी और फॉलो करवाऊंगी, क्योंकि मैम तो दो दिन के लिए आई हैं और मैम हमें बता के जा रही हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि मैं उसको कितना आगे बढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर आगरा में हूँ, मैम तो फिर आएंगी, फिर मुझे ही डांटेंगी कि तुमने ये नहीं करवाया, तो इसलिए मुझे करवा, ड्यूटी तो मेरी है करवानी, ड्यूटी है और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं इस साक्षात्कार को शासन प्रशासन जब सुनेगा तो कुछ नई चीज़ें, एक बाकी जो ग्राउंड पर काम करने वाले पर्यावरणविद कहलाने वाले जो हैं उनसे कुछ सीखने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि तमाम अधिकारी भी आते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, तो आप जैसे अध्यापक, आप जैसे गुरुजन ही बताते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। आपको बता दें कि सर्वहित कल्याण सेवा समिति निरंतर प्रयास कर रही है, लखनऊ में भी आपने कार्यक्रम किया और तमाम सैकड़ों बच्चों को वहाँ संदेश दिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो जो भी इनकी एक प्रक्रिया है, तमाम विषयों पर आप काम कर रहे हैं, और फिर आगरा में 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हजारों बच्चों के साथ में करेंगे, तो इनका सीधा सा सीख यही है, सीधा सा संदेश यही है कि जब तक जड़ बेस मजबूत नहीं होगा तब तक बेहतर नहीं हो सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और लोग सीखेंगे भी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।